फिर चली गोली, किसने लगाई इसकी बोली, किसने किया बलात्कार, क्यों हो जाती है सिस्टम लाचार, सब होगा बेनकाब, नहीं चलेगा अपराध का खेल। देखते रहिए प्रत्येक न्यूज लाइव पर क्राइम सीन। जामतारा के नारायणपुर थाना क्षेत्र के मझलाडी गांव के लक्ष्मण दास नामक युवक की हत्या मामले का पुलिस ने उद्भेदन कर लिया। मंगलवार को नारायणपुर थाने में मीडिया को जानकारी देते हुए एसपी अंशुमन कुमार ने बताया कि प्रेम प्रसंग में लक्ष्मण दास की हत्या हुई। साक्ष्य छिपाने के लिए शव को गांव के ही एक कुएं में डाल दिया गया था। उन्होंने बताया कि इस मामले में सभी 6 अभियुक्त जागेश्वर दास, गोपी दास, नारायण दास, उमेश दास, राजन प्रसाद तथा खुशबू कुमारी को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि लक्ष्मण दास का गांव के ही खुशबू कुमारी से प्रेम प्रसंग चल रहा था। यही बात खुशबू के घर वालों को नागवार लगा और खुशबू के पूरे घर वालों ने एक साजिश के तहत लक्ष्मण दास की गला दबाकर हत्या करने के बाद सबको गांव के ही कुएं में डाल दिया था। और ये मामला जो है ये विवाहिता संबंध से ही रिलेटेड लग रहा है, क्योंकि जिस महिला का नाम इसमें आ रहा है वो शादीशुदा है और उसका और इस जो हमारा मृत व्यक्ति है उसके बीच में एक संबंध था, वह संबंध उसको लेकर ही उसके परिवार वालों ने उस व्यक्ति की हत्या कर दी, जो कि इनसे पूछताछ में भी साबित हुआ है। जो जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई है उनका नाम मैं आपको बता देता हूँ, जागेश्वर दास, गोपी दास जिनके पिता जागेश्वर दास हैं, नारायण दास, उमेश दास, राजन प्रसाद दास और महिला जिसका नाम है खुशबू कुमारी, जो कि राजन प्रसाद दास की ही पत्नी है। तो मुख्य रूप से ये जो आप इसे ऑनर किलिंग के रूप में भी आप इसे कह सकते हैं,